वेलकम बैक टू दिस स्टूडियो। आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ। तो फिर आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि बात करने जा रहा हूँ नोटिस यूनाइटेड एफसी और एटीके मोहन बगान के बीच जब मैच हुआ था उसके रिजल्ट और उसी के साथ साथ इस टाइम पर क्या नोटिस यूनाइटेड एफसी क्वालिफाई होने के चांसेस है या फिर नहीं, सब कुछ हम डिटेल्स में बात करेंगे। उसी के साथ साथ और कुछ अच्छे अच्छे अपडेट है और चलिए वीडियो को शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले अगर बात करें Xiaomi Mi की तरफ से जो न्यूज़ निकल के आ रहा है, वो सिर्फ अगर रिपोर्ट की माने तो सिर्फ 5 मिनटों में 3.5 लाख यूनिट बिका गया, जो कि एक अपने आप बहुत बड़े रिकॉर्ड है। नेक्स्ट अगर बात करें टीम इंडिया की तरफ से, ये टीम इंडिया मतलब क्रिकेट की टीमों के बारे में बात कर रहा हूँ, जहाँ सारे प्लेयर उसी के साथ साथ अगर बात करें स्टाफ मेंबर जितने भी थे और ऐसे में जो कि कोरोना वायरस यानी कि कोविड टेस्ट किया गया था, और सारे के सारे टीम मेंबर या फिर स्टाफ मेंबर के बारे में अगर बात करें सभी की नेगेटिव रिजल्ट आया, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट अगर बात करें दो प्लेयर के ऊपर अपडेट आ चुका है, जो कि है एक है राजू गायकवाड़ और दूसरा से अंकित मुखर्जी। दोनों प्लेयर बहुत ही अच्छे प्लेयर है और इस टाइम पर अगर बात करें ईस्ट बंगाल ने इन दोनों प्लेयर को साइन कर लिया, आगे जाके हमें एससी ईस्ट बंगाल में हमें देखने को मिलेगा। और उसी के साथ साथ अगर बात करें नेक्स्ट जो अपडेट आ जाते हैं वो है नोटिस यूनाइटेड एफसी और एटीके मोहन बगान की ओर से, मतलब अगर देखा जाए रिजल्ट, सबसे पहले हम रिजल्ट देखेंगे। इधर अगर देखा जाए नोटिस यूनाइटेड एफसी ने पहले हाफ में बहुत अच्छा खेल दिखाया, अगर बात करें डिफेंसिव बहुत अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे जब खेल मतलब सेकेंड हाफ गया और उस टाइम पर अगर देखा जाए एटीके मोहन बगान ने 2 गोल डाल दिया, और ऐसे में अगर बात करें नोटिस यूनाइटेड एफसी 0 में हार चुका है। और इधर अगर देखा जाए नोटिस यूनाइटेड एफसी इस टाइम पे क्वालिफाई होने की चांसेस बिल्कुल नहीं की बराबर बोल सकता हो, और ऐसे में जो पॉइंट्स टेबल है इस टाइम पे नोटिस यूनाइटेड एफसी सीधा जा चुका है 6 नंबर पे, जहां से हमें पता लगता है कि भाई नोटिस यूनाइटेड एफसी को जितना मुश्किल होने वाला है। बाकी अगर बात करें एटीके मोहन बगान टॉप ऑफ द टेबल बोल सकता हूँ, मुंबई सिटी एफसी भी बहुत ही अच्छे पोजिशन में है, एफसी गोवा भी काफ़ी खूबसूरत पोजिशन में है, और बाकी अगर देखा जाए उड़ीसा ईस्ट बंगाल केरला हैदराबाद चेन्नई और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी बहुत नीचे आ चुके हैं, जहाँ से क्वालिफाई होने के चांसेस हमें दूर दूर तक देखने को नहीं मिलते। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो काफी भी अच्छा लगा, कोई भी नॉलेज मिला तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।